looks for gold. Bit of hope. हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। आज आपको लग रहा होगा कि मैं दिल्ली में किसी गलियों में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं इजिप्ट में हूँ और मुझे यहाँ पे 3 हफ्ते हो गए इजिप्ट में घूमते हुए। तकरीबन पूरा का पूरा शूट कर लिया मैंने। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इजिप्ट कितना महंगा है, रहना, खाना पीना, सिम कार्ड, सब कुछ बात करेंगे और बताएंगे आपको वीडियो के एंड में कि मेरा कितना खर्चा हुआ है 3 हफ्ते के पूरे ट्रिप में। सो स्टे ट्यून्ड। तो जो मेरा पूरा ट्रिप था वो शुरू हुआ था कायरो से। इधर जाना है भाई हमें, इधर जाना है। तो जो मेरा ट्रिप शुरू हुआ था कायरो से, और कायरो के बाद मैं गया सीवा के बाद मैं गया हुरगादा, फिर लक्सर, फिर असवान, और हम फिर वापस लक्सर में आ गए हैं। तो यार बात करते हैं कि खर्चे की। ना सबसे पहला खर्चा क्या होता है, वीज़ा। 2000 रुपये का वीज़ा मिलता है, ई वीज़ा। लेकिन उसके बाद आपको लेनी पड़ती है एक इन्विटेशन लेटर, जिसके कि आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। वो वेरी करता है, $50-60 से कुछ भी ले सकते हैं वो। भाई सड़क पार नहीं हो रही मेरे से। उसके बाद फ्लाइटें, तो चलो जो भी मिलेंगी आपको पता नहीं कैसे मिलेंगी, जितने की भी मिलेंगी। तीसरी चीज़ जो मिलती है, जो खर्चे का है, वो है सिम कार्ड। तो यार यहाँ पे ऑरेंज, वोडाफोन, अरे गड्ढे भी चलते हैं यहाँ पे, घोड़ा गाड़ी है। मतलब ऐसे नहीं है कि टूरिस्ट घुमाने के लिए, ये लोग यूज़ करते हैं। तो हाँ, सिम कार्ड में भाई आपको वोडाफोन मिल जाता है, एटीसेलेट करके ऐसा कुछ है, वी इजिप्ट है, ये चलती हैं कॉमन टैक्सियाँ। और वोडाफोन सबसे ज़्यादा सही लगता है। मैंने लिया है 25 GB तकरीबन इंटरनेट, और मुझे पड़ा है वो तकरीबन 900 रुपये, 1000 रुपये के आसपास, 25 GB पूरे महीने का, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो सिम कार्ड का सीन आपका सॉर्ट हो गया है। उसके बाद हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल मेरे को 5 से 10 यूरो के बीच बीच में आपको हॉस्टल मिल जाता है डन का। तो 5 से 10 यूरो, 400-500 से लेके 800 रुपये नाश्ते के साथ आपको मिल जाता है रेस्टोरेंट। यहाँ मसाले वगैरह काफ़ी इंडियन जैसे हैं। अरे लड्डू कैसे से हैं ये, व्हाट इज दिस, टैमरिंड, ओ इमली है ये, इमली है। अच्छा इमली है क्या? हाँ ले रही। तो भाई देखो इमली के लड्डू बना के रखे हैं। हाँ मैं छोड़ मन लड्डू कम नो चार्ज मनी, पैसे नहीं लूंगा। अरे देख के वापस आ जाएंगे हमारे क्या है। हाँ फूल बोल रहा है कि दे देखो आई वाज जस्ट क्यूरियस व्हाट इज दिस, दिस इज टैमरिन। हाँ ओके। तो यार एक बात और कि यहाँ की करेंसी क्या है। करेंसी है यहाँ की इजिप्शियन पाउंड, ये 100 पाउंड है। तकरीबन 2.6 का कन्वर्जन रेट है यहाँ पे। तो ये आप लगा लीजिए हो गया 260 रुपये, तो 260-270 रुपये हो गए। अब करेंसी आपको एक्सचेंज जो डॉलर का है ना रेट, वो है $1.31 के आसपास, 31 इजिप्शियन पाउंड के आसपास। लेकिन अगर आप जाते हो ब्लैक मार्केट में तो आपको 35 भी मिल जाता है। मुझे 33 मिला था एक बार 34 भी कोई दे रहा था। लेकिन अगर आप ATM से निकलवाएंगे और यहाँ पर आप ऑफिशियल कराएंगे तो आपको 31 मिलेगा एट मैक्स, 30 पॉइंट कुछ। तो मेरे ख्याल मतलब मैं, और अगर आप कहीं पे कार्ड यूज़ करते हैं ना तो आपको बोलते हैं कि चार्जेस लगेंगे 3%, 4%। तो मैंने कहीं पे भी कार्ड यूज़ बहुत कम करा है। जैसे अभी हम जा रहे हैं बस की टिकट बुक करने, वहाँ मैं कार्ड ही यूज़ करूँगा। लेकिन अदरवाइज़ आप कार्ड कहीं भी यूज़ ना करिए तो अच्छा है, कैश ही यूज़ करिए। ये जो टैक्सियाँ हैं ये ना लोकल सी, ये तो बहुत ही कम लेती हैं, 5 पाउंड मतलब 15-12 रुपये, बहुत सस्ता है ये। इसके अलावा टैक्सियाँ चलती हैं ऊबर वगैरह, तो वो भी जैसे इंडिया के रेट होते हैं वैसे वैसे ही नॉर्मल से रेट है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं मिलता। तो काफ़ी अफोर्डेबल है। बताऊँगा आपका मैं कितना खर्चा हुआ मेरा 3 हफ्ते में। अभी हम पहुँचने वाले हैं, सामने इनका ट्रेन स्टेशन है। ओला ओला कोमो एस्टास, नेम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, माय शॉप हियर, माय शॉप, हां माय सोवनियर, सोवनियर फोटो जलपा शेर स्काव
Okay. English name, Mr. Whiskey. Mr. Whiskey. English Ruski? Name. Yeah, English name. Mr. Funny. You are Russian? Funny boy. Why not? Today open, tomorrow maybe that. Okay. Not? I am holiday. Yes. The shop here, not there. Far, 1 minute walk. Uh-huh. One Stella, 20 pound. One what? Stella. A beer? Yeah. No, so, no, I want to buy a kurta. Jalabiya? Huh. What color? Blue, black? Black, white. No, like I'm going for buying a ticket. What's for the ticket? Train. Buy ticket. Train. Yeah. Come on. No. I am helping for you. I know. Don't worry, my brother. No. Be happy. I'm going to go bus. Yes. I will book a ticket. I'll come. You tell me your shop. Where is your shop? Welcome, my fellow. Yeah, okay. I like nice jalabiya. Nice cotton. Nice cotton. Okay. Come sweet. Have a scarf. No. I will. You show me the shop. I'll come back to the shop. You show me the shop. Where is the shop? I will buy the ticket and I come back. Okay, now. Buy ticket. Okay. And back. Okay. Where is the shop? How long? 20 minutes. All right. Come. No. Tell me, where is the shop? I will come back. This way. Inside. Walk, my walk. 1 minute walk, 2 minutes. Okay. This doctor, there. Okay. Yeah. 1 minute. All right. Good jalebiya. Okay. I'll come. क्या बोल रहा था? $1. Okay. अरे मेरे को बोल रहा था कि मेरे से कुछ खरीद ले. तो कुछ खरीदने को बोल रहा था कि ये ले ले वो ले ले. तो गया नहीं खरीदने. अबे मैं जा रहा, मैं का टिकट लेने जा रहा हूँ अभी मैं. जाएंगे अगर मन किया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. यहाँ पे लोग बड़े पीछे पड़ जाते हैं. ये मैंने एक मतलब मैंने ये देखा यार, यहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं. मतलब लिटरली आपको तंग कर देते हैं, पीछे पड़ पड़ के ले लो ये ले लो वो ले लो. तो काफ़ी मुश्किल है उनको बताना. तो मेरा ये था कि पहले जाके बस की टिकट ले लें और फिर बाद में करेंगे शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी. तो मेरा मन था कुछ खरीदने का, इजिप्शियन कुर्ता वगैरह. तो अभी सामने ट्रेन स्टेशन है. तो सामने ट्रेन स्टेशन है, लेकिन ये देखिए ये चीज़ जो रोटियां हैं, ये यहाँ पे ऐसे ही करते हैं ये लोग ना, रोटियां बना के फिर बेचते हैं सड़कों पर. और लोग खरीदते हैं घर ले जाके, घर रोटियां नहीं बनाते, ये रोटियां ऐसे खरीद लेते हैं और फिर इसको गर्म करके खाते हैं. जैसे हम सुबह नाश्ता मिलता है, हमें ब्रेकफास्ट मिलता है हॉस्टल में, तो ये साथ में ये रोटियां होती हैं. खाने के बाद करेंगे बाद में. पहले ये देखिए सामने हमने आ गए ट्रेन स्टेशन. तो ट्रेन स्टेशन यहाँ पर भाई क्या सीन है. मैंने ट्रेन ली थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, एक व्लॉग बनाया था मैंने हावड़ा ट्रेन्स. उसमें फाइट ये है कि लोकल, जैसे यहाँ से असवान का 3 घंटे का सफ़र है, लोकल के लिए है भाई वो 55 इजिप्शियन पाउंड बोले तो 150 रुपये, और फॉरनर के लिए है वो 300 इजिप्शियन पाउंड, 6 गुना प्राइस, 300 इजिप्शियन पाउंड हो गया 1000 रुपये. लेकिन सुंदर स्टेशन है, ट्रेनें तो ऐसी हैं बेकार की, और लेट भी चलती हैं ट्रेनें बहुत ज़्यादा. तो ट्रेन मतलब ऐसे ले लेना एक बार अगर आपको मन करे, नहीं तो मैंने सुना है कि लोकल से ले लो टिकट और चेक नहीं करते बाद में. लेकिन पता नहीं भाई, अब तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप जा रहे हो ट्रेन में तो ले लो यार फॉरेन वाली टिकट, जहाँ तुमने इतने पैसे खर्च कर लिए. शुक्रन. तो ये देखिए मतलब एकदम फैंसी नाइट ड्रेसेस वगैरह सब कुछ मिलती हैं. जब हम सोचते हैं कि मुस्लिम कंट्री है और ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, चिल है एकदम. तो यार बस के लिए देखो, एक तो मिस्टर बस है, ये खड़ी है सामने मिस्टर बस. तो इनके ना ऐसे ऑफिस होते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, कहाँ गया ये रहा. तो ऐसे बाहर बना होता है कि बस की टिकट मिलती है यहाँ पे. ऐसे ही आगे गो बस है, गो बस की ऐप आती है, तो हमने उस पर प्राइस चेक करा हुआ है. तो हमने गोबस का प्राइस चेक करा हुआ है. आई बुक्ड ऑनलाइन गोबस, आई गिव यू गुड प्राइस, आई हैव बुक्ड ऑलरेडी गोबस ऑनलाइन. नो, मैंने बोला कि मैंने बस की टिकट बुक कर ली है, बोला यू लुक फॉर स्मोक. कल भी मेरे को बंदा है, कल भी मुझे बंदा बोल रहा, कह रहा स्मोक शीशा. मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया. गो बस भाई. अरे ये देख लो ट्रेन भी खड़ी है. गो बस की बसें ऐसी होती है पीली पीली सी. तो गो बस की आपको ऐप मिल जाएगी. अभी इसकी टिकटें मतलब मैंने टोटल
कोई 100 मतलब 150 की करी है, 200 की करी है, 300 की भी करी है, तो 1,000 रुपये के अंदर अंदर आपको कहीं पर भी, कहीं से भी, कहीं की भी बस मिल जानी चाहिए। चलते हैं, गो बस ये खड़ी है, तो गो बस के ऑफिस से कर लेते हैं अपनी टिकट बुक वापस हुरगादा की। मेरी फ्लाइट हुरगादा से, हम इसके बाद बूडापेस्ट जा रहे हैं, काफ़ी मजे आने वाले हैं यूरोप में। तो ये रहा गो बस, अभी जाके इसके अंदर टिकट ले लेंगे। कार्ड से पेमेंट हो जाती है यहाँ पे। तो ये टिकट ले लिया है लक्सर से हुरगादा, अरबिक में लिखा है यार, समझ नहीं आ रहा, बट 210 पाउंड लगे, 600 रुपये के आसपास। 4 घंटे का सफ़र है यार सिर्फ, तो थोड़े से ज़्यादा है 600 रुपये, ठीक है, मतलब काफ़ी बजट से, काफ़ी बजट कंट्री है वैसे ये। Good food. You have two wife. Yeah, one house. One house, two wife. Mini car looks, mini car. Oh. English name, Mr. Whiskey. Yeah, I know. You told Tomorrow, me. Maybe Shinshi name, Mr. Water. All of them. Khappi banda bhai, ek number ka. Name, Abdullah. Okay. Mini car looks so. Okay. The wife, lovely. Lovely? Maybe one. Looks so cold. Bit of hot. Are you fully mad? Fully cold. Maybe one hot. But Luxor is not cold. No, Luxor here. Hmm? A strong hot. Huh? 3 months. Oh, okay. Deep, 1 month. Huh? Cold. No, bit of hot. Okay. Another month. Bit of hot. Okay. Another month. Bit of hot. Okay. After cold. Yeah. Then you want your wife. But see, my brother, good for you. Why? Why? My country pretty cold. Uh-huh. My cold. Stand and stand. Yes. My country pretty cold. Hot. भाई गंदी बातें कर रहा है अभी मैं, I can't translate. Abdullah, be happy. After I love, up to shower. To wife. Very strong. Very strong. It looks the first time? Second time. Welcome anytime, my brother. Abdullah. Okay. Tomorrow, what do you do tomorrow? As one time. No, I go back to Hurghada. Oh, lovely. Oh, mini pussy. Mini lady. Oh, la la. It's free, no money. Drink, eating, yeah. After. Okay. Yeah, Russia bull. Okay. English best. Okay. Ziki. Good. Ziki. Look. Bank machine. Rrrr. Give him money for you. 20,000, 30,000. English best. Okay. Russia. Lovely lady. All right. But she has no money. No money. Yeah. Russia. Look for money. Yeah. Look for food. Look for drink. After I love. No business. But English best. With jiki. Maybe all tonight. After bank commission machine. Give me 1,000, 3,000, 4,000. Dollar. Yeah. $1,000. $1,000. Me happy. Russia, I know her. Okay. My shop. भाई बंदा बोल रहा है कि रशियन के बोला इंग्लिश बंदी है, इसको पैसे देके जाती है, रशियन पैसे नहीं देती। Come on, my brother. तो ये दुकान पे लेके आया मैं ठगने, अभी देखते हैं अगर भाई ठगा जाए। नो आई वॉन्ट तो भाई मेरे को लेनी थी एक शर्ट, इजिप्शियन टाइप ऐसी सी कुछ, बट वो सब बंदियों के हैं, बंदों का कुछ है ही नहीं सामान, तो क्या ले फिर, नहीं ले सकते। चलते हैं वापस, अंकल से बातें काफ़ी फनी कर ली, अब निकलते हैं वापस। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ, आप घर से डॉलर लेके आएँ और यहाँ पे एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज मतलब ब्लैक मार्केट का क्या सीन है, आप खुद तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप अपने हॉस्टल वाले होटल वाले को बोल देंगे तो कोई दे देता है 33, 34, 35। ATM मत यूज़ करिए, आपको ATM तो मिल जाएंगे वैसे बहुत सारे, लेकिन मत यूज़ करिए। अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं तो घर से डॉलर लेकर आइए और डॉलर को करिए एक्सचेंज अपने होटल वगैरह में। तो अभी हमें जाना है इधर
पुलिस की बाइक है तो बड़ी सुंदर सुंदर है यार है? पुलिस की बाइक देख कितनी अच्छी है, अपने तो ऐसी होती नहीं बाइक है, अपने वो बजाज प्लैटिना देके रख ले। भाग के चल लो भाई, यहाँ देखो यामा, ये इनका प्रेसिडेंट है, हर जगह पे फोटो लगी होती है इसकी, हर जगह पे। तो यार अब बात करते खाने पीने की। ये कैलाश भाई है, आपने देखा होगा आपने किसी पिलानी वीडियो में, इसके तो नहीं 1 मिलियन तो हो गए हैं। चल हाँ चल चल, 7.5 लाख तो है ना, और कितने 1 लाख 60 हज़ार सारे आ जाएंगे, फिर 1 लाख ही कटेगा बस। इंटरेक्ट बेस्ती। हेलो यहाँ मैंने एक हेलो या नाइस टू मीट यू टू। अबे यहाँ पे तो वो सब है फल, वो सब शर्मा वगैरह। हाँ हम तो जूस पीने जा रहे हैं ना आगे, तो शर्मा वगैरह मिलता है यार 60 पाउंड 70 पाउंड। मैंने दिखाया था आपको कायरो वाली वीडियो में, और यहाँ पे जूस की शॉप्स। हाँ हाँ यहाँ पे जूस की बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं आपको। ये मिला है 20 पाउंड का, मतलब 50 रुपए का, थोड़ा सा महंगा बट लेकिन वही है, फॉरनर है ना तो बताते हैं हमें कि रेट ही सब बताते हैं पहले से ही, लोकल के लिए थोड़ा कम होगा शायद लोकल के लिए। तो अभी हम वापस आएंगे अपने हॉस्टल। ये का जो हॉस्टल थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बेकार सा है, लेकिन 5 यूरो मिल रहा है तो बढ़िया ही है, ठीक है। ये है लक्सर में बॉब मार्ले, 6 यूरो का है नाश्ते के साथ, पर बड़ी बेकार से बैठे हैं इसमें। मैंने अच्छे हॉस्टल भी देखे हैं और शहरों में, हुरगादा में अच्छा था लेकिन वो 10 यूरो का था, तो वही है, यू पे फॉर व्हाट यू गेट। कमरा दिखाता हूँ आपको, बहुत ही हमारा कमरा, कोई लॉकर नहीं है, कुछ नहीं है, एसी है वैसे तो। अबे चल, हाँ चल पड़ा पंखा, एसी भी है वैसे इसमें बट काफी बेकार से बेड है यार। अक्सर में यही हाल है सारे हॉस्टलों का। तो यार खाने की बात करें तो ये देखो मेनू आपको हमेशा अरबिक में ही मिलेगा, हर जगह मेन्यू अरबिक में ही होगा, तो आपको शायद गूगल ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हाँ है इंग्लिश में, ये भी अरबिक में ही लिखा है क्या? नहीं 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 इंग्लिश में है, जनरली ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलता इंग्लिश वाला मेन्यू, पर अच्छा रेस्टोरेंट है इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी इसमें प्राइस कहाँ लिखा है? प्राइस तो वो यही दिक्कत होती है यहाँ पे, और ये ऑब्वियसली इंग्लिश मेन्यू है तो इस पर प्राइस भी अलग ही ठोक के लगाएंगे, वो प्राइस लिखा ही नहीं है देख कहीं पे भी। तो यार खाने में देखो ऐसा है कि ये हवाबशी हमने ट्राई किया था ना कायरो में, तो पूरा हवाबशी लिया था मैंने एक बड़ा, वो 120 का था शायद, यहाँ मैंने देखा ये स्लाइस देते हैं तो स्लाइस 35 का है, मतलब कि 100 रुपये हो गए एक स्लाइस। तो हमने 2 ये मंगा लिए और 2 खीर मंगा लिए, खीर 15 की है, ये राइस विद मिल्क नट्स करके, 15 मतलब 40 रुपये। तो देखते हैं कितना क्वांटिटी है क्या है, मेरे ख्याल से इतना सा स्लाइस होगा यार ये 100 रुपये का, पता नहीं देखता है जब आते तो तब देखते हैं। बाकी यहाँ पर जो कॉमन है ना वो है शवरमा, बहुत कॉमन है, हर जगह मिलता है 50 पाउंड 60 पाउंड के आसपास, और एक खा लो तो आपका पेट भर जाता है, तो वही मतलब 150 रुपये के आसपास आपका अगर एक शवरमा ले लो। बाकी कोशरी भी हमने खाई थी, कोशरी भी खाई थी हमने कायरो में, थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन थी उसकी, यहाँ पे अलग है, बट मेरे से नहीं खा सकते, मतलब मेरे से खा नहीं होती कोशरी, बहुत ज़्यादा सामान होता है इसमें। तूने खाई है कोशरी? कोशरी हाँ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है और मज़ा भी नहीं। हाँ पेट सब, इसमें क्या होता है देखो, पास्ता हो गया, चावल हो गया, नूडल सब डाल देते हैं इकट्ठा करके उसमें, या तो बाकी ये क्रेप्स भी मिलते हैं यहाँ पे चिकन वाले, तो वो ये शवरमा सेम लेकिन वैसे क्रेप की शेप में, तो ये भी 50-60 का ही मिलता है, 50-60 इजिप्शियन पाउंड। यार यहाँ पे तो चोटी हो गई है, मतलब ये बोल रहा है ये हवाबशी है, मैंने तो हवाबशी खाया था कायरो में अलग था, एक तो पिज्ज़ा लग रहा है, बट 35 में मिल गया तो ठीक
100 रुपए में मिल गया तो ठीक है। तो ये है तो पिज्जा ही, बस क्रस्ट के अंदर थोड़ा सा चिकन डाल रखा है, तो लेयर है देखो ये बीच में, ऐसे ही है, मजा नहीं आया। तो ये दिया भाई खीर, मैंने खाई नहीं खीर अभी तक एक बार भी यहाँ पे इजिप्ट में ना। सही है, काफी मलाईदार, सही है। तो यार आज हम जा रहे हैं हुरगादा, ये मैंने बस ली थी कल टिकट ना, तो ऐसे रुकती है रास्ते जैसे इंडिया में रुकती हैं बसें, तो मतलब यहाँ खाना वाना मिल जाता है, टॉयलेट वगैरह ठीक है सिस्टम बसों का ना इजिप्ट में। ट्रेन थोड़ी सी लेट चलती है लेकिन बसें सही चलती है, तो आई रिकमेंड कि आप बसें ले सकते हो कहीं पर भी, और सस्ती भी है, जैसे ये मेरे को 500 की पड़ी है, 4 घंटे का सफ़र है, 4-5 घंटे का। तो यार अभी हम आ गए हुरगादा, हुरगादा काफ़ी टूरिस्टी सा शहर है, मतलब ये लगता नहीं कि आप इजिप्ट में हो। मैंने कई जगह ऐसे देखा कि रशियन में दुकानों के साइन वगैरह रशियन में लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रशियन लोग हैं और यूरोपियन भी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे आके। तो ये उबर है, और मतलब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि उबर का नंबर जो है ना वो लिखा होता है अरबिक में, तो आप नंबर नहीं पढ़ पाते हो, थोड़ी मुश्किल होती है उबर ढूंढने में, बट ठीक है। तो अभी बस पहुँचते हैं हॉस्टल, फिर आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, मतलब ये बीच रिजॉर्ट टाउन है, यहाँ पे आपको रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट दिखेंगे, और मेरा जो हॉस्टल है वो सामने है उधर, ये स्वीट होम, बहुत सस्ता मिल गया मेरे को, ये मिला है मेरे को $3 में यार, $3 में शायद नाश्ता भी है, नहीं होगा तो भी चलेगा भाई, $3 में क्या ही चाहिए तुम्हें यार। सो करते हैं चेक इन और फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है, तो देन आई विल टेल यू कि मेरा कितना खर्चा हुआ टोटल इजिप्ट के 3 हफ्ते के ट्रिप में सब कुछ मिलाने के बाद। तो यार ये है जुगाड़, उसी जगह है, मतलब किसी का फ्लैट है उसने बना दिया है 4 बेड लगा के हॉस्टल, और इधर इसके यहाँ एक बाथरूम है, ये हॉल है, टीवी लगा दिया, पर है ये ऐसे फ्लैट बिल्डिंग के अंदर, तो अभी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, मैं अकेला ही हूँ। तो यार अगर बात करें टोटल खर्चे की, तो मेरा इजिप्ट में मैंने 3 हफ्ते के करीब गुजारे हैं, 19 अप्रैल से लेके आज है 12, तो कल है मेरी फ्लाइट, तो तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। मेरा टोटल खर्चा हुआ है यहाँ पे 36,000 से लेके 40,000 के बीच बीच में, थोड़े से मेरे पैसे चोरी हो गए थे तो मैं वो कर लूँ इंक्लूड, तो 40+ हो जाएगा, तो आप लगा लीजिए कि आपका 3 हफ्ते आपका आराम से 35-36,000 में हो जाएगा, 1,000 नहीं लगेगा। इट इंक्लूड्स जो हमारी लेटर है, इनविटेशन लेटर मैंने ली है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वीज़ा भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूड करेगा, फ्लाइट्स नहीं, फ्लाइट्स अलग से जो भी आपकी होंगी, मैं तो आया था इथियोपिया से तो वो अलग फ्लाइट होंगी, आप इंडिया से आएंगे तो अलग फ्लाइट होंगी, तो सेफ साइड पर आप लगा लीजिए 40,000, 3 हफ्ते 40,000 बिल्कुल सेफ साइड पर। तो ये ख़त्म हो गया हमारा इजिप्ट यहाँ पे, अब हम आगे जा रहे हैं बूडापेस्ट। Stay tuned. I'll see you in the next one. Goodbye.